गुड मॉर्निंग सीए इंटर के स्टूडेंट, सीए इंटर के स्टूडेंट जिनका कल 12 सितंबर को एग्ज़ाम है, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम के पहले जो बच्चों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत ही काम का है। बिल्कुल भी लास्ट तक आप ध्यान से सुनेंगे, स्किप नहीं करेंगे बेटा, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, आपको एग्ज़ाम में टेंशन के साथ नहीं जाना है। आपने जो प्रिपरेशन की है वो 100% आपको एग्ज़ाम में क्लिक करेगा। टेंशन के साथ जाएंगे तो टेंशन इज इक्वल टू वाली, टेंशन इज इक्वल टू वाली का मतलब होता है आपने अपनी आधा पावर कम कर दी। तो एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब एग्जाम में जाने के पहले जो आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान लेना है कि आपको साथ में क्या लेके जाना है, तो बेटा आप जो रेगुलर पेन, रेगुलर कैलकुलेटर यूज करते हैं, इरेजर, शॉर्पनर, HB पेंसिल, दो दो तीन तीन पेन जो भी हो साथ में रख लो, पाउच रख लो पूरा अपना प्रॉपर। एडमिट कार्ड रखना आपको भूलना नहीं है साथ में, और एग्जाम में कम से कम आधा घंटा पहले आपको पहुंच जाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही एग्जाम में 15 मिनट पहले आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो प्रॉपरली आपको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है लास्ट तक। हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है कि मेरे को प्रायोरिटी वाइज कौन कौन से क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। कोशिश ये करना है जो हमसे बनता क्वेश्चन है वो पहले एज अर्ली एज पॉसिबल हमको बनाना है, उसको कभी भी स्किप करने की कोशिश नहीं करना है। तो आप जब टिक कर लेंगे कि मेरे को प्रायोरिटी बेसिस पे क्वेश्चन करना है, तो 15 की जगह अगर आपको 20 मिनट लग रहा है एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पढ़ने में, जाने दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट वो हमारे लिए बहुत काम का है। क्योंकि मेरे को ये लगता है मेरे सीए बनने में ये जो 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। अब जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो कोशिश ये करना है कि 1 से 1.25 घंटा में, कोशिश ये करना है 40 मार्क तो आ जाए, क्योंकि जैसे ही आप 40 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेटा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं पेपर में तो पास हूँ, सीधी सी बात है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कि 40 मार्क का हो गया तो हो गया बेटा, अभी ना एग्रीगेट की भी लड़ाई है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो आपको सभी जितने भी बनते बनते क्वेश्चन है फटाफट आपको सॉल्व करने हैं, फिर स्पीड मेंटेन करना है आपको प्रॉपरली, हैंडराइटिंग मेंटेन करना है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना है, क्योंकि आप इंटर के स्टूडेंट हैं। अब आपने जैसे ही पेपर दे दिया तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, पेपर के बाद चुपचाप घर जाना है आपको, बिल्कुल भी किसी अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस नहीं करना है इसका ट्रीटमेंट उसका ट्रीटमेंट, क्योंकि आपको अगले पेपर का तैयारी करना है बेटा, उसमें भी हमको अच्छा स्कोर करना है। तो जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको रिकॉल कैसे करेगा, तो ये बिल्कुल भी ध्यान रखना है। जो पेपर हो गया उसको साइड करो, नेक्स्ट पेपर का प्रिपरेशन करना है आपको। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।